उन्नाव में हुए भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की हुई मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने परिवहन विभाग के अफसरों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि यदि भविष्य में राज्य की सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अफसर की खैर नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए। मुख्यमंत्री की चेतावनी में हरकत में आए परिवहन विभाग ने सूबे में एक माह तक डग्गा मार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करते हुए कहा कि आखिर कैसे डग्गा मार और बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर घूम रही हैं। डग्गा मार और बिना परमिट वाली बसों के खिलाफ सख्ती के साथ अभियान चलाकर इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा कहीं भी बसों का संचालन हो रहा है तो परिवहन विभाग के वरिष्ठ अफसरों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी में सभी पंजीकृत यात्री और स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच की जाए। अगर इसके बाद कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है तो परिवहन विभाग के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। डग्गा मार और बिना परमिट वाली बसों को सड़क पर आने से पहले ही रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने यूपी के सभी उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक सड़क अभियान चलाकर डग्गा मार और बिना परमिट के वाहनों की जाँच की जाए। यात्री बसों के साथ ही स्कूली वाहनों की भी जांच हो। इसके लिए उन्होंने विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथिवार ड्यूटी लगाई है।